नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव को गंगा ने बनाया निशाना, कटाव में दर्जनों घर गंगा में समाया। भागलपुर बाढ़ की मार झेल रहे अभी तक लोग उभरा नहीं था कि एक बार फिर गंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गाँव की, जहाँ पिछले कुछ घंटों में दर्जनों घर गंगा की आगोश में चले गए और गांव का मुख्य मार्ग और पुल पुलिया भी पानी में समा गया। दहशत का यह नज़ारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिन पहले ही एक भयानक प्रलय हमारे बीच आया था, उनकी यादें अभी पुरानी भी नहीं हुई और फिर गंगा में कटाव को लेकर झकझोर दिया। ग्रामवासी का कहना है कि कई सालों से हम सबों का घर कटाव में बहते आए हैं, लेकिन आज तक सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित नहीं हुआ। केवल दिखावे के लिए बालू की भरी बोरियां इसमें डाल दी जाती है, लेकिन वह बोरियां हमारे घर को और सड़क को बचाने में सक्षम नहीं है। हम लोग कटाव की वजह से त्राईमाम हो चुके हैं। हमारी जमीन और मकान गंगा में समा गई है, लाखों का नुकसान भी हो गया है और रोजगार भी हाथ से छीन गया है। सुनिए, इस आपदा के बीच ग्राम प्रधान रामवरण यादव और ग्रामवासी विराट यादव और उनके साथ अन्य पीड़ितों की व्यथा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? गांव के कटाव से हम लोग पूरे इंग्लिश फरका घुसपुर जो है बहुत आतंक में बहुत भयभीत हो गया है, और इससे हम लोग सवेरे से 8 बजे से कटाव कम से कम 25-30 घर कट गया। बहुत देर के बाद CO आए और वो भी आश्वासन दे के गए कि जिसका मकान गिरा है उसको हम पन्नी या कोई खाने पीने के हम इंतजाम करते हैं, बाकी अभी तक ले कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। मेरा नाम रामवरण यादव, ग्राम पंचायत फरका के मुखिया में हूँ। कब से कटाव हो रहा है? कटाव तो 3 साल से चल रहा है। 3 साल से चल रहा है, अभी तो ये सड़क कट गया। ये तो भोरे सवेरे कटा है, 7-8 बजते बजते भोरे होते सब चल गया, 5-10 लाख का सामान चल गया। कितना परेशानी हो रहा है? मिल चिल सब परेशान है, भोरे से लोग परेशान है। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या हम लोग मांग करेंगे सरकार के कि कहेंगे घर द्वार बचाइए? कोई मदद मिला है अभी? कुछ नहीं मिला है, खाली सब ऊपर से नीचे सब वोट नहीं वाला है। क्या लगता है और कटा होगा? कटा तो अभी 3 साल मेहनत रोड टेकेगा, अभी तो सुरवे हुआ है। क्या नाम है? नाम हमारा सरवन यादव जी। ये कटाव 1-1.5 महीने से चल रहा है, काफी समय से चल रहा है, लेकिन इधर बारिश के कारण भी कटाव में बहुत फर्क पड़ा और ये रोड कई महीनों से सालों से कटते आ रहा है, लेकिन हमारे सांसद और MLA MP का कोई ध्यान इतना नहीं हो रहा है इस पर। विराट यादव, गांव का नाम बता दें। इंग्लिश फरका।